एक हाथ में डुगडुगी, दूसरे में नोटिस। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम जब शायस्ता के घर पर पहुंची तो हलचल देखकर आसपास के लोगों को लगा कि कहीं शायस्ता लौट तो नहीं आई। करीब 4 महीने गुजर चुका है, अतीक अहमद की पत्नी शायस्ता को फरार हुए, बेटे का एनकाउंटर हो गया, पति का जनाजा निकल गया, लेकिन बेगम का कोई अता पता ही नहीं। शायस्ता की कई जगह पर तलाश की जा चुकी है, कई बार रेड भी हो चुकी है, लेकिन पुलिस भी ये समझ नहीं पा रही कि शायस्ता कहां अंडरग्राउंड हो चुकी है। अब आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस के धैर्य ने जवाब दे दिया है, 30 दिन के अंदर सरेंडर करो, नहीं तो सब कुछ कुर्क हो जाएगा। ये नोटिस लगा दिया गया है शायस्ता के घर के बाहर। सिर्फ शायस्ता ही नहीं, अतीक अहमद के बेहद करीबी गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज के घर भी ऐसा ही एक नोटिस लगा दिया गया है। यूपी पुलिस ने दोनों को करीब 30 दिन का वक्त दिया है सरेंडर करने के लिए। ये खबरें भी आई थी कि गुड्डू बमबाज और शायस्ता एक साथ हैं। दोनों अंडरग्राउंड होकर ही अतीक अहमद के गैंग IS-227 को चला रहे हैं। पुलिस ने शायस्ता के ऊपर 50,000 और गुड्डू बमबाज के ऊपर 5,00,000 का इनाम घोषित भी किया है, लेकिन बावजूद इसके शायस्ता और गुड्डू के बारे में किसी से कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही। आपको बता दें कि ये माना जा रहा था कि शायस्ता की मदद गुड्डू मुस्लिम कर रहा है। अब पुलिस ने ये नोटिस लगा दिया है तो जाहिर सी बात है शायस्ता और गुड्डू तक भी ये खबर ही पहुँच चुकी होगी। अब देखना ये होगा कि कुर्की के इस नोटिस के बाद क्या ये दोनों सरेंडर करते हैं या फिर ऐसे ही छुपकर अतीक के गैंग को चलाते रहेंगे।